हम बात कर रहे हैं जोमैटो की। आज के दिन की बात करें तो जोमैटो में हमको 1% के ऊपर की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। हम देख सकते हैं इससे पहले वीडियो में हमने 170 के लेवल को एक तगड़ा और इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पर कहा था कि इस लेवल को ब्रेकआउट करना इम्पॉर्टेंट है, इसका तगड़ा रेजिस्टेंस है, उन्हें इसके आसपास फ्रेश बाइंग को अवॉइड करना हमने ऐसा डिस्कस किया था। देख सकते हैं स्टॉक ने 168 का लेवल दिखाया, गिरावट आई, अगेन बाउंस बैक किया, 168 के हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, उसी लेवल से अगेन रिजेक्शन देखने के लिए मिला। और पहले 160 के आसपास से स्टॉक ने जिस लेवल से सपोर्ट लिया था 156-157, उसी लेवल के सपोर्ट के साथ अगेन रिकवरी के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली। स्टॉक ने 160 के लेवल को ब्रेकआउट किया था, सस्टेन नहीं हो पाया, अगेन छोटा मोटा सेलिंग देखने के लिए मिला है। यहाँ से गिरावट आती है तो इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा 156 का लेवल, जहाँ से स्टॉक ने रिकवरी दिखाई है इसको ब्रेकडाउन कर जाता है तो अगला सपोर्ट जोन बनेगा 154, और 150 का जो लेवल है इसके तगड़ा और इम्पोर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले करेगा। जब तक 150 के ऊपर है तब तक बड़ी गिरावट नज़र आना मुश्किल है, यहाँ से हमको तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। स्टॉक अब यहाँ से बाउंस बैक होकर अगर 160 के आसपास सस्टेन होता है, हमने देखा 160 का लेवल अब इमीडिएट टारगेट रहेगा, इसको ब्रेकआउट कर गया तो 164 और इसके ब्रेकआउट के बाद 168, स्टॉक का बड़ी तेज़ी के लिए 170 और 160 के आसपास सस्टेन होने देना है। 170 के ब्रेकआउट के लिए स्टॉक को 170 से लेकर 167 के बिटवीन सस्टेन होना पड़ेगा, हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन हम देख सकते हैं इसी लेवल से लगातार सेलिंग देखने के लिए मिल रही है। अगर स्टॉक सस्टेन हो जाता है 167 से 170 के बिटवीन, तो 170 का लेवल भी ब्रेकआउट करके हमको बड़े टारगेट दिखा सकता है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो जो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।